गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आइए अब इंटरनेट के बारे में सीखते हैं। क्या आप जानते हैं इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक ऐसा स्रोत है जिससे आप दुनिया की कोई भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की मदद से आप अपने अनुसार कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ग्लोब की मदद से पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ होता है, जिसके अनुसार आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेट को आप डायरेक्टली उपयोग में नहीं ला सकते। इंटरनेट का उपयोग क्यों करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट की मदद से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के सभी डेटा, फाइल्स और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर दूसरा कंप्यूटर आपको इसकी इजाजत देता है, आप इंटरनेट की मदद से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कम्युनिकेट, मतलब कि आप बातचीत कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिसे आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इंटरनेट का उपयोग कैसे करते हैं। आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता हो, क्योंकि इंटरनेट हमारी जरूरतों के अनुसार हमें जानकारी देता है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट से जुड़ने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि इथरनेट केबल, ब्रॉडबैंड, डायलअप, सैटेलाइट, ISDN। लेकिन यह ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की मदद से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इथरनेट केबल की मदद से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। आइए अब नेटवर्क के टाइप जैसे कि लैन, वैन, मैन के बारे में कुछ जानकारी सीख लेते हैं। आइए अब लैन के बारे में सीखते हैं। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन नेटवर्क का उपयोग आप एक इथरनेट केबल की मदद से कर सकते हैं। लैन के द्वारा ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर किसी बिल्डिंग के एरिया को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। लैन के द्वारा बहुत से कंप्यूटर एक सर्वर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सर्वर एक प्रोग्राम अथवा डिवाइस होता है जो सभी कंप्यूटर क्लाइंट को एक केबल की मदद से इंटरनेट की सर्विस देती है, मतलब कि आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। आइए अब वैन के बारे में सीखें। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन नेटवर्क की कवरेज एरिया ज्यादा होती है। यह पूरे विश्व में फैला होता है, जिससे कंप्यूटर फोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका उपयोग मोबाइल फोन्स और लैंडलाइन के लिए किया जाता है। वैन इंटरनेट की स्पीड 10 MB से 100 MB तक होती है। उदाहरण के लिए GSM, CDMA अथवा बैंक के द्वारा लगाए गए ATM मशीन और किसी एक ब्रांच की बहुत से ब्रांच होती हैं। वैन के द्वारा से आप दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आइए अब मैन के बारे में सीखते हैं। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसकी कवरेज एरिया एक मेट्रो सिटी तक होता है। इसका कवरेज लैन से ज्यादा होता है और वैन से कम होता है, और इसकी स्पीड 10 MB से 100 MB के बीच होता है। इसका उपयोग सिटी केबल नेटवर्क के लिए किया जाता है। आइए अब वाईफाई के बारे में सीखते हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस इंटरनेट फॉर फ्रीक्वेंट इंटरफेस होता है। इसके द्वारा कंप्यूटर या मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी वायर की जरूरत नहीं होती। हॉटस्पॉट एक नई टेक्नोलॉजी होती है, जिसे एक यूजर अपने कंप्यूटर और फोन दोनों पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इन दिनों आप हमेशा करते हैं। आइए अब ब्राउजर के बारे में सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ब्राउजर क्या होता है। ब्राउजर एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर्स में हमें वेब पेजेस को देखने में मदद करता है।
ब्राउजर कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की मदद करता है, जिससे यूजर वेब को सर्फिंग अथवा उसका उपयोग कर सकता है। ब्राउजर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा इत्यादि। ये सभी ब्राउजर के प्रकार होते हैं, लेकिन विंडो, किसी भी विंडो में पहले से ही एक ब्राउजर होता है, जिसे इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं। अथवा आप इन सभी ब्राउजर को इंटरनेट की मदद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब भी आप किसी ब्राउजर को ओपन करते हैं, जो पेज ओपन होता है उसे वेब पेज बोलते हैं। इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। टाइटल बार वेब पेज का नाम बताता है। ब्राउजर में भी कुछ ऑप्शन जैसे मेन्यू होते हैं, जिनकी मदद से आप ब्राउजर को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू। आप इनका उपयोग वीडियो की मदद से सीख सकते हैं। आइए वीडियो को देख के सीखते हैं इंटरनेट के मेन्यू बार के बारे में, मेन्यू बार का उपयोग कैसे करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इंटरनेट को ओपन किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर को ओपन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हमें मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मेन्यू नहीं दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके पेज पे, होम पेज पे मेन्यू नहीं है, तो इसको लाने के लिए आप ऑल्ट बटन को दबाएंगे। जैसे आप ऑल्ट बटन को दबाएंगे तो आपके मेन्यूज आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग प्रकार का आप मेन्यू देख सकते हैं। हमने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, न्यू टैब पे क्लिक किया, तो यहाँ पे न्यू टैब आ गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर यहाँ से क्लोज कर दें। अभी देख सकते हैं, यहाँ पे मेन्यू नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से ऑल्ट बटन को दबाया, फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, डुप्लीकेट, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज। आप इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। डुप्लीकेट टैब पे क्लिक करेंगे, जो आप विंडो, जो आप होम पेज यूज कर रहे हैं, उसका डुप्लीकेट पेज आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो पेज आया है, एक अलग टैब बन का आया है, दोनों एक जैसा है। फिर से फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे बाकी के ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि न्यू विंडो, ओपन, एडिट, सेव, सेव एज, क्लोज, पेज सेटअप, प्रिंट, आप इन सबका उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन एडिट मेन्यू का है। इसके अंदर आप कट, कॉपी, पेज, सिलेक्ट ऑल, फाइंड ऑन द पेज, ये ऑप्शन दे रखा है। अगर किसी टेक्स्ट को कट करना है या कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट ऑल करेंगे। अगर किसी वर्ड को फाइंड करना है तो फाइंड ऑन पेज पे क्लिक करेंगे, जिससे आप किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिए हुए हैं एडिट मेन्यू के अंदर। फिर अगला ऑप्शन व्यू का है, व्यू मेन्यू का है। व्यू में आप देख सकते हैं टूल बार, जैसे कि आप टूल बार के अंदर जानते हैं, जो टूल्स होते हैं उनको हाइड और शो कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं, मेन्यू बार, फेवरेट बार, कमांड बार, स्टेटस बार। आप इन चीजों को हाइड या शो कर सकते हैं। अगर कोई भी टूल्स आपको चाहिए लाने के लिए, आप उनको पे क्लिक करेंगे, वो वापस आ जाएगा। अगर फिर से उनको हाइड करना है तो वापस उस पर क्लिक करेंगे, वो फिर से हाइड हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया, टूल बार को सिलेक्ट करके फेवरेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे फेवरेट आ गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको किसी भी टूल को हाइड कर सकते हैं या उनको शो कर सकते हैं। फिर नीचे देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शन है, गो टू का, स्टॉप का, रिफ्रेश का। गो टू पे जाएंगे, अगर बैक पे करेंगे तो पीछे आ जाएगा, होम पेज पे क्लिक करेंगे तो जो आपके स्टार्टिंग में पेज आता है वहां पे आ जाएंगे। अगर कोई चीज आप, अगर पेज डाउनलोड हो रहा है, अगर उसे आप स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। पेज के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं जूम के ऑप्शन से। अगर आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जो आपका होम पेज है वो पूरे स्क्रीन में आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है।
अगर आप फुल स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं तो F11 प्रेस कर दें। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे तो आप नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। अगला ऑप्शन फेवरेट मेन्यू का है। फेवरेट मेन्यू के अंदर भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लिंक्स को या पेज को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप ऐड फेवरेट कर सकते हैं, डिलीट फेवरेट कर सकते हैं फेवरेट मेन्यू की मदद से। अगर कोई पेज को ऐड करना है तो आप ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वीडियो में देखते हैं ऐड टू फेवरेट बार, अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, आप इन सबका यूज कर सकते हैं, इन सबका उपयोग आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन टूल ऑप्शन का है। टूल के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे डिलीट ब्राउजर हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी है कि आपने इससे पहले कौन कौन से पेज यूज किया था, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं जो पिछली हिस्ट्री है, तो आप डिलीट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और इन सब ऑप्शन को सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो जो पिछली हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि अगर विंडो अपडेट करना है तो इस प्रकार से यहाँ पे टूल्स में भी बहुत प्रकार के अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगला ऑप्शन हेल्प का आता है। हेल्प पे के अंदर अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप हेल्प ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से आप मेन्यू बार का उपयोग कर सकते हैं। मेन्यू बार के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से किसी भी ऑप्शन को आप अपने जरूरत के अनुसार उनका उपयोग कर सकते हैं। ये टूल्स का ऑप्शन है। अगर आपको टूल मेन्यू का उपयोग यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको मेन्यू बार लाना है, मेन्यू बार को लाने के लिए आपको अल्ट बटन का उपयोग करना है। अगर उसे फिर से टूल को हाइड करना है तो आप उसे फिर से अल्ट बटन को दबा देंगे या फिर व्यू मेन्यू में जाके मेन्यू बार को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे आपका टूल बार जो आपका मेन्यू बार है वो हाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप मेन्यू बार का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन एड्रेस बार का होता है। एड्रेस बार की मदद से आप किसी भी वेबसाइट पेज को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसका डोमेन नेम, DNS डोमेन नेटवर्क सिस्टम सही पता होना चाहिए। वो एड्रेस एड्रेस बार में टाइप करना होता है जिसे आप उस पेज पे जा सकते हैं। इसके लिए अगर आपको गूगल के पेज को डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो www.google.com टाइप करें और एंटर बटन दबा दें, जिससे आपका पेज ओपन हो जाएगा। इंटरनेट एड्रेस को वेबसाइट बोलते हैं। आप सोचेंगे ये वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट को साइट भी कहते हैं। वेबसाइट में बहुत से वेब पेजेस होते हैं जो डोमेन मतलब कि आपके एड्रेस को डायरेक्टली आइडेंटिफाई करता है कि वह एड्रेस सही है अथवा गलत। हर एक वेबसाइट का एक होम पेज होता है। अलग अलग कंप्यूटर और होम पेज अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपके ब्राउजर की सेटिंग पर निर्भर करता है कि आप किसी ब्राउजर को ओपन करें तो पहला पेज कौन सा होना चाहिए। आप चाहें तो अपनी जरूरत के अनुसार अपने होम पेज को सेट कर सकते हैं। वेब एड्रेस को चार भागों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए HTTP, www.google.in ये एक एड्रेस लेते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके चार भाग में डिवाइड है। HTTP, www, गूगल और इन। पहला भाग HTTP वेब सर्वर हाइपर टेक्स्ट को प्रोटोकॉल में बदलता है। HTTP अधिकतर उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल होता है जिसकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। दूसरा भाग www है। www एक वर्ल्ड वाइड
वेबसाइट होता है। तीसरा भाग गूगल, यह मेन होता है, यह वेब सर्वर और साइट मेंटेनर होता है। और सबसे लास्ट भाग में आप देख सकते हैं जो इन होता है, ये किसी कंट्री की साइट होती है। जैसे यहाँ पे इन लिखा है, इन का मतलब इंडिया, ये इंडिया की साइट है। अब आप एड्रेस बार के बारे में सीख चुके हैं। एड्रेस बार के द्वारा आप किसी वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंटरनेट के द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। कुछ आप सर्च कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी न्यूज़ जान सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट के द्वारा ये सभी चीजें कैसे सर्च होती हैं। आइए कुछ सर्च इंजन के बारे में जानते हैं। गूगल, याहू, बिंग, बैडू इत्यादि, ये सभी सर्च इंजन होते हैं जिसके द्वारा आप इनमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। गूगल सर्च इंजन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। गूगल यूजर के बीच में काफी प्रसिद्ध है। कोई भी यूजर अगर गूगल का उपयोग करना चाहता है तो एड्रेस बार में www.google.com टाइप करें और फिर एंटर बटन दबा दें, जिससे गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। अगर इसमें कुछ ढूंढना चाहते हैं तो इसके सर्च बॉक्स में जो आप सर्च करना चाहते हैं वो टाइप करें और एंटर बटन प्रेस कर दें, और उससे रिलेटेड बहुत से लिंक आ जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप गूगल पे कंप्यूटर शिक्षा को ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे, फिर उसमें गूगल टाइप करें, गूगल के सर्च बॉक्स में कंप्यूटर शिक्षा टाइप करें और एंटर बटन दबा दें, जिससे कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी जानकारी आ जाएगी। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के द्वारा किसी भी चीज़ को सर्च कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन को ढूंढना है, फिर इस पर क्लिक करके उसे ओपन कर लें। जैसे आप ओपन करेंगे, जो इसका होम पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस बार दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो आप एड्रेस बार के अंदर टाइप कर सकते हैं या फिर इसके सर्च बॉक्स में आप टाइप करके कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। हमने इसके एड्रेस बार में www.google.com टाइप किया क्योंकि हमें गूगल का पेज ओपन करना था, इसीलिए हमने एड्रेस बार में इसका लिंक को, इसके एड्रेस को हमने टाइप किया। तो अब आप देख सकते हैं जो गूगल का पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया। अब जिस टॉपिक के बारे में भी आप सर्च करना चाहते हैं वो आप गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमें कंप्यूटर शिक्षा के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा टाइप किया। और एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे आ गए हैं। आप चाहें इनको स्क्रॉल डाउन करके आप सारे लिंक्स को देख सकते हैं। जिस भी लिंक को आप ओपन करके देखना चाहते हो उस पर क्लिक कर दें। हमने इसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर शिक्षा की जानकारी थी वो आपके पेज पे दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रॉल डाउन करके ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप इस कंप्यूटर शिक्षा की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से पेज को चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरे लिंक पे जाना चाहते हैं, तो आप एड्रेस बार में उस लिंक को डायरेक्ट टाइप करें। जैसे हमने यहाँ पे, हमें किसी दूसरी साइट पे जाना है, दूसरे वेब पेज पे जाना है, तो हम उस वेब पेज का एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने यहाँ पे www.amazon.in टाइप किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो अमेजोन की साइट है वो यहाँ पे ओपन हो गया, उसका पेज यहाँ पे ओपन हो गया। इस प्रकार से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से कुछ भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। अब तक आप ब्राउजर और इंटरनेट के बारे में सीख चुके हैं। आइए अब सीखते हैं
इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक बार आपको ब्राउजर और इंटरनेट की जानकारी अच्छी तरह से हो जाए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब इंटरनेट की मदद से अडोब रीडर, अपाचे ओपन ऑफिस और वीएलसी मीडिया प्लेयर की फाइल को डाउनलोड करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं अडोब रीडर सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी एक ब्राउजर को ओपन करें, जो भी आपको ब्राउजर पसंद है उस ब्राउजर को आप ओपन करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन किया। जब हमने गूगल क्रोम को ओपन किया तो जो इसका होम पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस बार दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो एड्रेस बार के अंदर टाइप करके जिस लिंक को आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो एड्रेस बार के अंदर टाइप करें, या इस सर्च बॉक्स के अंदर टाइप कर दें। आप दोनों में से किसी भी जगह आप टाइप कर सकते हैं। हमने गूगल के सर्च बॉक्स में जो चीज़ हमें डाउनलोड करना है वो हमने यहाँ पे टाइप किया। हमने यहाँ पे लिखा डाउनलोड अडोब रीडर। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे जो से रिलेटेड लिंक हैं अडोब रीडर से, वो सारे लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। आप चाहे स्क्रॉल डाउन करके आप इन सारे लिंक्स को देख सकते हैं। इनमें से किसी एक लिंक पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने इस लिंक पे क्लिक किया, आपको लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे जो ये पेज है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको डाउनलोड या इंस्टॉल का ऑप्शन ढूंढना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, नीचे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। आप होम पेज के नीचे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आप देख सकते हैं जो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड ऑल ऑप्शन का है, शो डाउनलोड का, इस पे क्लिक करें। जो आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया या डाउनलोड किया है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड लिस्ट में दिखाई देगा। जैसे कि आपको वीडियो में देख सकते हैं हमने अडोब रीडर को सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो ये अडोब रीडर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहे यहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अडोब रीडर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए अब इंटरनेट की मदद से अपाचे ओपन ऑफिस की फाइल को डाउनलोड करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सीखें। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले किसी ब्राउजर को ओपन करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन किया। जैसे हमने ओपन किया जो इसका होम पेज है वो यहाँ पे आ गया है, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसके एड्रेस बार में जिस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करना है उसे टाइप करें, या फिर गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करें। हम यहाँ पे गूगल सर्च बॉक्स में टाइप कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा डाउनलोड ओपन ऑफिस। टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस कर दें। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे जो ओपन ऑफिस का लिंक है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लिंक आ गया है। जब आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे जितने भी लिंक्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि हमें ओपन ऑफिस को डाउनलोड करना है।
इसके लिए जो आपको पहला ये लिंक दिखाई दे रहा है अपाचे ओपन ऑफिस, उस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो अपाचे सॉफ्टवेयर है, अपाचे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन और डाउनलोड लैंग्वेज पैक का ऑप्शन दिया हुआ है। हमें इसे पूरा इंस्टॉल करना है, इसलिए डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नेट टैब ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पे अपाचे ओपन ऑफिस का आइकन देख सकते हैं और उसके साथ में डाउनलोड का ऑप्शन भी लिखा हुआ आ रहा है। आप चाहे तो इसे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो रहा है। आप लेफ्ट साइड के कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है। जो हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड पे क्लिक किया था वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, इसे मिनिमाइज करें, माय कंप्यूटर पे जाएं, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड में सेव होता है, इसलिए डाउनलोड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं जो हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था वो डाउनलोड ऑप्शन में यहाँ पे सेव हो गया है। इस प्रकार से आप किसी भी ब्राउजर का उपयोग करके ओपन ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब इंटरनेट की मदद से VLC मीडिया प्लेयर की फाइल को डाउनलोड करना सीखें। आइए वीडियो को देख के सीखते हैं VLC मीडिया प्लेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले किसी ब्राउजर को ओपन करें। आप चाहे कोई भी ब्राउजर चूज कर सकते हैं, कोई भी ब्राउजर को आप ओपन कर सकते हैं। हमने टास्क बार में से गूगल क्रोम को ओपन किया। जैसे हमने ओपन किया जो इसका होम पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप उस सॉफ्टवेयर का नाम जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे डाउनलोड VLC मीडिया प्लेयर को टाइप किया। टाइप करने के बाद एंटर बटन को दबा दें। जब आप एंटर बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे जो इसका लिंक है यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर से रिलेटेड बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे आ गए हैं। आप चाहें तो इसके स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करके इन सभी लिंक्स को देख सकते हैं। इनमें से किसी एक लिंक को सेलेक्ट कर ले, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ पे डाउनलोड VLC मीडिया प्लेयर लिखा था, हमने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हुआ जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके चेक करें डाउनलोड कहाँ पे लिखा हुआ है। डाउनलोड ऑप्शन को ढूंढें, और फिर उस पर क्लिक कर दें। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, हमने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। आप लेफ्ट साइड के कॉर्नर में देख सकते हैं नीचे नीचे की साइड में यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं फाइल का साइज और फाइल नेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं
डाउनलोड होने के बाद आप डाउनलोड ऑप्शन में चेक करेंगे कि वो फाइल डाउनलोड हुआ है या नहीं। इसके लिए इसे मिनिमाइज करें, फिर माय कंप्यूटर को ओपन करें और डाउनलोड ऑप्शन में जाके देखें। डाउनलोड ऑप्शन को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी हमने आइटम को डाउनलोड किया, जितने भी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे VLC मीडिया प्लेयर भी डाउनलोड हुआ है। तो इस प्रकार से आप VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की वीडियो या सॉन्ग ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए आप YouTube का उपयोग करेंगे। YouTube को कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए आप ब्राउजर के एड्रेस बार में इसके एड्रेस का लिंक टाइप करेंगे, जैसे कि www.youtube.com, फिर क्लिक कर देंगे जिससे YouTube ओपन हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं गूगल में सर्च करना तो डायरेक्टली आप टाइप करें जिसे YouTube का लिंक ओपन हो जाएगा। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ईमेल के द्वारा आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपके पास कोई फ़ोन नहीं होता था तो आप एक लेटर में कुछ भी लिख के अपने परिचित को भेज देते थे, लेकिन कहाँ पर भेजना है इसका आपको एड्रेस पता होता था। ईमेल में भी कुछ ऐसा ही है, दूर बैठे अपने फैमिली से या फ्रेंड से भी आप बात कर सकते हैं, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी एक ऐसी आईडी होती है जिसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। आइए वीडियो को देख कर सीखते हैं ईमेल आईडी का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। आइए वीडियो को देख के सीखते हैं एक नए ईमेल आईडी को कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी एक ब्राउजर को ओपन करें। आप चाहें किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ टास्क बार में अलग अलग प्रकार के ब्राउजर हैं, या तो आप टास्क बार में से किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लें या डेस्कटॉप पर बने आइकन में से किसी ब्राउजर को सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे हमने गूगल क्रोम को ओपन किया, इसका जो होम पेज है वो ओपन हो गया यहाँ पे। अब इसके एड्रेस बार में जीमेल टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जब आप जीमेल टाइप करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो जीमेल से रिलेटेड बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो जीमेल का लिंक है उस लिंक पे क्लिक कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, एडी का मतलब एडवर्टाइजमेंट। तो हो सके आप दूसरे वाले लिंक को सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने सेकंड लिंक को सिलेक्ट किया, जो जीमेल का पेज है वो ओपन हो गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अकाउंट्स पहले से जो लॉगिन थे उसके अकाउंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करें, जब ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पेज दिखाई देगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें लॉगिन नहीं करना है, हमें एक नया अकाउंट बनाना है, इसके लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो एक पेज ओपन हो गया जिसमें कुछ डिटेल्स पूछा जा रहा है। आपको इस डिटेल्स को भरना है, जहाँ पे फर्स्ट नेम है वहाँ पे अपना नाम लिखें, लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम लिखें। हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम में कंप्यूटर लिखा, लास्ट नेम में शिक्षा टाइप किया हमने। आप जिस प्रकार का ईमेल आईडी चाहते हैं, जो भी ईमेल आईडी चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार इस बॉक्स के अंदर टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे computer.shiksha777 टाइप किया। फिर जहाँ पे क्रिएट पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे पासवर्ड टाइप करें। ध्यान दें कम से कम इसमें इसके अंदर 8 कैरेक्टर होना चाहिए। सेकंड वाले बॉक्स जहाँ पे कंफर्म योर पासवर्ड लिखा है, जो आपने क्रिएट पासवर्ड में टाइप किया सेम वही पासवर्ड आपको इसमें टाइप करना है।
अगर अलग अलग रहा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करें, उसको टाइप करें यहाँ पे। इसको फिल करने के बाद अगला ऑप्शन जेंडर का है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो भी आपका जेंडर है उसे सेलेक्ट कर लें। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर को टाइप करें, जिससे आपके पास एक वेरिफिकेशन मैसेज, एक कोड आएगा। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर को टाइप किया। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद जहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है आपको लोकेशन को सिलेक्ट करना है। जिस देश का आप वासी हैं उसे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे हमने इंडिया को सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेसी एंड टर्म्स लिखा हुआ है। किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट को आप उस पर लॉग इन करते हैं या उस पर अकाउंट बनाते हैं, तो उसके कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज होते हैं जिसे आपको एक्सेप्ट करना होता है। इसीलिए आई एग्री पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। जैसे क्लिक करेंगे आगे एक स्टेप और आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे वेरीफाई योर अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। कंफर्मेशन के लिए टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉइस चाहते हैं तो वॉइस पे क्लिक करें। हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब आपसे एक वेरिफिकेशन कोड पूछेगा, जो आपने नंबर टाइप किया उस नंबर पे आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो कोड आपको इस बॉक्स के अंदर टाइप करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। टाइप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो आपका अकाउंट है जीमेल अकाउंट बन जाएगा। कंटिन्यू टू जीमेल पे फिर से क्लिक करें। देख सकते हैं ये लॉगिन हो रहे हैं। अब आपका ईमेल अकाउंट बन चुका है। आप चाहें ईमेल कर सकते हैं, मैसेज रीड कर सकते हैं, इनबॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, कंपोज, इनबॉक्स, सेंट मेल। अब आप अपने अकाउंट का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जीमेल अकाउंट को बना सकते हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि कंपोज, इनबॉक्स, ये सारे ऑप्शन, सेंट मेल, ड्राफ्ट, ये सारे इसके फीचर्स हैं। अगर आपने किसी को मेल करना है तो आप कंपोज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको मेल चेक करना है कि आपको कौन कौन से मेल आए हैं तो आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी 3 तीन मेल आया हुआ है। अगर कोई आप नया मेल टाइप करना चाहते हैं तो कंपोज पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे न्यू मैसेज लिखा हुआ है, ये एक नया मेल बॉक्स है और इसमें आप 3 बटन दे सकते हैं। तीनों बटन का अलग अलग काम है। पहले वाला बटन जिसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, दूसरे से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आप मेल बॉक्स को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप क्लोज के बटन से इसे कैंसिल कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं हमने मिनिमाइज किया है, फिर से मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे आप 2 ऑप्शन देख सकते हैं, टू और सब्जेक्ट। टू के अंदर आपको ईमेल आईडी टाइप करना है। आप वह ईमेल आईडी टाइप करेंगे जिसे आप मेल सेंड करना चाहते हैं। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे connect@computershiksha.org टाइप किया। आपको यहाँ पे प्रॉपर एक ईमेल आईडी को टाइप करना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट में आप अपने मन से जो भी आप सब्जेक्ट देना चाहते हैं, जिस रिगार्डिंग आप मेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करें। फिर मैसेज बॉडी टेक्स्ट में आप मैसेज को टाइप कर सकते हैं, जो भी मैसेज आप टाइप करना चाहते हैं।
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स टाइप किए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, फॉर्मेटिंग, फाइल अटैच। अगर अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप ए वाले ऑप्शन जो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, अगर आप उसके टेक्स्ट के साइज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं या उसके टेक्स्ट की राइटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप फॉर्मेटिंग के मदद से टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये वाले ऑप्शन से यहाँ पे आप कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो कलर बॉक्स आ गया, और किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लें तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है, इसे अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अटैच फाइल का ऑप्शन है, अगर कोई आप अटैचमेंट के साथ कोई डॉक्यूमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जहां पे भी आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करके जिस लोकेशन पे भी आपने फाइल को सेव किया है उस लोकेशन को आप सिलेक्ट कर लें। वहां से आप फाइल को सिलेक्ट करें, फिर ओपन पे क्लिक कर दें, जिससे आपकी फाइल, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो इस मेल के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे एक फाइल को सिलेक्ट किया और फिर ओपन पे क्लिक किया और वो फाइल यहाँ पे अटैच हो गया। फिर इसके बाद सेंड के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन लिखा हुआ है, सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, जो आपने मेल टाइप किया है, जो आपने मेल बनाया है, वो मेल उस यूजर को सेंड हो जाएगा जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप किया था। तो इस प्रकार से आप मेल को सेंड कर सकते हैं।